तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट क्लासेज। आज इस वीडियो में बच्चा हम पढ़ने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम क्या होता है और इसके जो प्रूफ है उसको हम आज देखने जा रहे हैं। इस थ्योरम को बच्चा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, शॉर्टकट में इसको बीपीटी कहा जाता है और थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। और इस थ्योरम को बच्चा 6.1 थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये थ्योरम कहता क्या है, तब जाके हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। तो बच्चा ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, चाहे दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लो, सपोज यहाँ पे मैंने एक एबीसी ट्रायंगल लिया है। क्या लिया है बच्चा? एबीसी ट्रायंगल हमने लिया है और इस ट्रायंगल में या दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन अगर आप खींचते हो, यानी दुनिया का किसी भी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल में उसके किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन अगर आप खींचते हो, तो बाकी जो दो साइड है वो सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं। यानी सपोज यहाँ पे बच्चा एक डी ई लाइन है, डी ई एक लाइन है जो बी सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ए बी सी बच्चा एक ट्रायंगल है एंड इन दिस ट्रायंगल जो डी है पैरेलल है किसके बच्चा? बी सी के पैरेलल है। जो डी है वो बी सी के क्या है बच्चा? पैरेलल है। तो थ्योरम ये कहता है कि बाकी जो दो साइड यानी ए बी और जो ए सी है, जो ए बी और जो ए सी है, दे विल बी डिवाइड इन द सेम रेशियो। यानी प्रूव करना है, प्रूव डैट करना है कि जो ये जो डी है ना बच्चा, ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी जो ये ए डी है और ये जो डी बी है, इनका रेशियो ए डी अपॉन जो डी बी का रेशियो है बराबर होगा उधर से ए ई और ई सी के रेशियो के, ए ई और ई सी के रेशियो के बराबर होगा। यानी किसी भी ट्रायंगल में उसके किसी भी एक साइड के अगर आप पैरेलल लाइन खींचते हो, तो बाकी दो जो साइड है, बाकी बचे दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि सपोज ये एक ट्रायंगल है, मैंने क्या किया कि ये सपोज ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने क्या किया कि पी आर के पैरेलल मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो क्यू ए और ए आर का जो रेशियो है बराबर होगा क्यू बी अपॉन बीपी के रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। यानी किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। हमें यही प्रूव करना है। तो इसके लिए बच्चा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और कंस्ट्रक्शन कभी भी करते हैं तो हम डॉट लाइन से करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए मैं यहां पे टेप ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं ना कि यहां से डी से एक परपेंडिकुलर डालते हैं एई पर, ठीक है। डी से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं बच्चा एई पर, ठीक है। यहां पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। डी से परपेंडिकुलर हम डालते हैं एई पर ऐसे, और फिर ई से परपेंडिकुलर डालते हैं यहां पे, पूरे ए बी बोलो या ए डी बोलो, ये परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। तो यहां पे ये परपेंडिकुलर डाला गया है, ये जो परपेंडिकुलर है एडी पे बोलो या एबी पे, यानी जो एडी पे परपेंडिकुलर होगा वो एबी पे भी होगा, एक ही बात है। दूसरा चीज हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि डी सी को ज्वाइन कर देते हैं, डी सी को बच्चा ज्वाइन कर देते हैं, और उसी तरीके से बी ई को भी हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे बच्चा ड्रॉ, यहाँ पे कुछ नाम भी यहाँ पे देना पड़ेगा। इसका नाम हम दे देते हैं बच्चा एम, इसका नाम दे देते हैं एन, यानी ड्रॉ यहाँ पे ड्रॉ ई एम जो है, ई एम है बच्चा, जो ई एम है परपेंडिकुलर किस पे है? परपेंडिकुलर है बच्चा ए बी पे, एंड जो ई एन है, जो टी एन है, ये परपेंडिकुलर है किस पे बच्चा? ए सी पर,
एसी पद, पूरा एसी बोलो या एई बोलो, पूरा एसी बोलो या एई बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चा, कि ज्वाइन ज्वाइन डीसी एंड बीई। ठीक है, यहाँ पे जो डीसी है और जो बीई है इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमें ना इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ बेसिक बातें नाइन्थ क्लास के थ्योरम को समझना होगा। एक्चुअली में किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है ये होता है बच्चा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको बेस माने तो इस पे डाला गया परपेंडिकुलर हाइट होगा। ठीक है, सपोज ये एबीसी एक ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बीसी, और सपोज ये एडी परपेंडिकुलर है तो 1/2 बेस हो गया बीसी और परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चा एडी। तो ऐसे हम एरिया देते हैं किसी भी ट्रायंगल का। अब अगर एक ही ट्रायंगल का हम कई तरीके से एरिया दे सकते हैं, हम 1/2 ये बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर लेंगे, उसी तरीके से अगर इसको बेस मानेंगे तो इस पे ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे। यानी किसी भी तरीके से अगर एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालो तो इक्वल आएगा। ठीक है, सपोज अगर ये एक्स है और ये परपेंडिकुलर वाई है तो एरिया हो जाएगा एक्स वाई, और ये जेड है और ये आर है तो एरिया हो जाएगा 1/2 जेड आर। तो कैसे भी निकालो ट्रायंगल का, एक ही ट्रायंगल का एरिया चाहे कैसे भी निकालो इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा चीज हमें यहाँ पे ये समझना है कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, सॉरी हाँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यानी वैसा ट्रायंगल जिसमें ना एक जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बच्चा हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाहर चला जाता है। तो सपोज ये एबीसी अगर ट्रायंगल है और डाला गया परपेंडिकुलर एडी है तो इस ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे 1/2 बेस होगा बच्चा बीसी, बेस क्या होगा यहाँ पे बीसी होगा, और जो हाइट है बाहर चला गया यानी परपेंडिकुलर इस बार बाहर चला गया। ठीक है, तो हाइट एडी लेंगे लेकिन बेस ये पूरा नहीं लेंगे बच्चा, ये पूरा बेस ना लेके हम क्या लेंगे, हम केवल इतना वाला लेंगे, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो हमें इस ट्रायंगल का ये अंदर वाला एरिया पता चल जाएगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, यानी किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, सिंस यहाँ पे नाउ डाल के आप स्टार्ट कर दो, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चा 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है, तो यहां पे हमें करना क्या है, हमें बच्चा जेनरेट करना है एडी अपॉन डीबी। तो एडी देखो यहां पे है, एडी यहां पे है बच्चा और डीबी यहां पे है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हम पहले क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बी डी किस ट्रायंगल का है बच्चा, तो बी डी ना इस ट्रायंगल का हिस्सा है तो बी डी का एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। इन दोनों एरिया का ना हम रेशियो निकालेंगे, दोनों एरिया का रेशियो निकालेंगे। तो बच्चा 1/2 बेस, बेस यहाँ पे क्या है ADE में अगर बात करें तो बेस यहाँ पे क्या है बच्चा, बेस है AD, तो बेस क्या है बच्चा AD है, बेस क्या है AD, तो यहाँ पे लिखेंगे बेस हो गया AD और डाला गया परपेंडिकुलर क्या है बच्चा EM, तो यहाँ पे हम EM लिखेंगे EM। ठीक है, उसी तरह से नीचे जो BDE ट्रायंगल है, यानी ये जो BDE ट्रायंगल है बच्चा BDE, इस पे परपेंडिकुलर बाहर चला गया है, देखो ये बाहर वाला परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, बाहर चला गया है क्योंकि ये बच्चा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इस पे हम परपेंडिकुलर क्या लेंगे बच्चा बाहर वाला लेंगे। ठीक है, बाहर वाला परपेंडिकुलर लेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2, और देखो बेस होगा ये तुम्हारा बी डी, परपेंडिकुलर हो गया ई एम, तो बेस हो गया बच्चा तुम्हारा क्या डी बी, लिख देते हैं डी बी लिखो चाहे बी डी लिखो एक ही बात है, यहाँ पे डी बी लिखा गया तो डी बी ही लो तो अच्छा है, और यहाँ पे ई एम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा ई एम हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट मान लेता, ठीक ये वाला,
ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 बच्चा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बी डी बी, बेस हो जाएगा डी बी इंटू परपेंडिकुलर ई एम, तो ई एम ई एम कैंसल हो जाएगा, 1/2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाता है क्या बच्चा, एडी अपॉन डी बी, एडी अपॉन डी बी। तो एडी अपॉन डी बी हमने क्या कर लिया बच्चा, बना लिया, यानी यहाँ पे इसको हम ले लेंगे इक्वेशन वन, इक्वेशन वन इसको मानेंगे बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरीके से अब हमें बनाना है बच्चा एई अपॉन ई सी, तो फिर से इसी ट्रायंगल का एरिया लो, लेकिन इस बार बेस ए ई लेना है और परपेंडिकुलर डी एन लेना है, और फिर यहां से ई सी वाला ट्रायंगल कौन बन रहा है, ई सी एस, यानी डी ई सी, डी ई सी ट्रायंगल लेना है, डी ई सी ट्रायंगल लेना है, और परपेंडिकुलर इसका भी क्या बन रहा है बच्चा, ई एन ही बन रहा है, डी एन ही बन रहा है। तो सेम बात यहां पे है, तो यहां पे सिमिलरली, सिमिलरली यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, सेम ट्रायंगल बच्चा एडीई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चा कुछ भी ले लो, जैसे कि यहां पे हमने लिया है बीडीई, यहां पे लेते हैं सीईडी, सीईडी ट्रायंगल, कैसे भी नाम दो ट्रायंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, 1/2, इस बार बेस लेना है एई, क्योंकि यहां पे एई आ रहा है, तो एई बेस ले लो, ठीक है, तो एई बेस ये हो गया बच्चा, अब परपेंडिकुलर हो गया डी एन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे बच्चा, एई, अब परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे, डी एन, परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे बच्चा, डी एन। सिमिलरली नीचे 1/2 बेस लेंगे बच्चा, इसका ये बेस होगा और ये बाहर वाला परपेंडिकुलर होगा, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, बाहर परपेंडिकुलर गया है, ठीक है, तो बाहर वाला परपेंडिकुलर हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा बच्चा, ई सी, और परपेंडिकुलर भी अगेन क्या होगा, डी एन, तो ये डी एन डी एन क्या हो गया, कैंसल, 1/2 कैंसल, क्या आ गया बच्चा, ए अपॉन ई सी, इसको मान लेंगे बच्चा इक्वेशन टू। तो देखो हमें करना क्या है कि जो एडी अपॉन डी बी है और ए अपॉन जो ई सी है दोनों को बराबर कर देना है, यानी देखो एडी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी बराबर करना है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर तभी होगा जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों बराबर हो जाएगा बच्चा, इक्विलिटी एक्सियम, अगर दो चीज एक ही चीज के बराबर है तो वो आपस में बराबर होंगे। तो यहां पे भी अगर हम ध्यान से देखें, अब हमारा फोकस है कि इन दोनों को बराबर कर दे, ताकि जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो एडीई है और यहां पे भी तो एडीई है, ऊपर वाला दोनों का बच्चा क्या है, ऊपर वाला दोनों का सेम है, ऊपर वाला दोनों का सेम है, एडीई एडी, ऊपर वाला दोनों का क्या है, सेम है, नीचे वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, नीचे यहाँ पे बीडी बीडीई का एरिया है और उसमें नीचे क्या है बच्चा, सीईडी का एरिया है। लेकिन नाइन्थ क्लास में अगर आप जाके देखोगे तो आपने बच्चा एक थ्योरम पढ़ा था, क्या थ्योरम पढ़ा था, कि अगर एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं ऐसे, सपोज ये एक बेस बना दिया, इसमें मैंने दो ट्रायंगल ऐसे बना दिया और ये दोनों ट्रायंगल ऐसे बने हैं कि इनके वर्टेक्स से जाने वाला जो लाइन है ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों ट्रायंगल का बच्चा एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। फिर से समझ लो, फिर से यहां पे बच्चा समझ लो कि अगर अगर यहां पे एक ही बेस है, एक ही बेस पे दो ट्रायंगल ऐसे बना दो, दो ट्रायंगल ऐसे बना दो कि इन दोनों ट्रायंगल की थर्ड मतलब वर्टेक्स से जाने वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है तो इन दोनों ट्रायंगल का बच्चा एरिया आपस में क्या रहता है, बराबर रहता है, आपने ऐसा नाइन्थ क्लास में पढ़ा था। तो भाई यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बन रहा है, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो सेम सिचुएशन बन रहा है, जो डी है इन दोनों ट्रायंगल में बच्चा, इन दोनों ट्रायंगल में जो डी है सेम बेस है, डी क्या है बच्चा, डी दोनों में सेम बेस है, और ये भी ट्रायंगल डी पे बना है और ये भी ट्रायंगल डी पे बना है, और यहाँ पे जो बी सी है डी के पैरेलल है, ये तो गिवेन है, ये तो गिवेन है बच्चा। तो सेम काम यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे चूंकि डी के डी ही डी ई पे है ये ट्रायंगल बना है, यानी जो ये बी डी ई ट्रायंगल है, बी डी ई ट्रायंगल है वो भी डी ई पे बना है, डी ई पे बना है, और जो बच्चा यहाँ पे सी ई डी ट्रायंगल है वो भी डी ई पे बना है, और देखो
और ये जो बी सी है पैरेलल है किसके, डी के। तो यहाँ पे बच्चा हम क्या लिखने जा रहे हैं कि सिंस ट्रेंगल, ट्रेंगल क्या है बच्चा बी डी ई एंड ट्रेंगल क्या है बच्चा, ट्रेंगल है तुम्हारा सी ई डी, ट्रेंगल सी ई डी आर ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, यानी एक ही पैरेलल के बीच के हैं, एक ही पैरेलल के बीच के हैं। यहां पे ध्यान से देखो डी पे ही, यानी ये वाला ट्रायंगल भी डी पे बना है, डीई पे बना है, और ये वाला ट्रायंगल भी डी पे बना है, और डी के पैरेलल क्या है बीसी। देयरफोर बीडीई और सीडी का एरिया आपस में क्या हो गया बच्चा, बराबर हो गया। देयरफोर यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसी सीईडी, सीईडी बच्चा सीईडी। इसको मान लेंगे बच्चा थर्ड इक्वेशन, क्या मान लेंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है थर्ड इक्वेशन। तो देखो थर्ड इक्वेशन से ये दोनों का एरिया आपस में बराबर हो गया, और ऊपर दोनों में बच्चा एडीई एडी है, इसलिए थर्ड इक्वेशन से ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, और इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर बाई बाई इक्वेशन वन टू एंड थर्ड, यहां पे एडी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी, हेंस यहां पे बच्चा क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इजिली आप थेल्स थ्योरम को क्या कर सकते हो बच्चा, प्रूफ कर सकते हो। और अगले वीडियो में हम देखेंगे तुम्हारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तब तक से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें शेयर करें, कॉमेंट करें और लाइक भी